हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। तो आज हम लोग मेंस की सीरीज़ को यहीं आगे बढ़ाते हुए जीएस पेपर वन का पॉइंट नंबर वन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग करेंगे गुप्त काल में कला के प्रारूप। इससे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्तकालीन सभ्यता, गुप्त काल में जो भी कला के प्रारूप थे, गुप्त काल तो अब हम करने जा रहे हैं, मौर्य काल में जो कला के प्रारूप थे, मौर्योत्तर काल में जो कला के प्रारूप थे, वो सब हम कर चुके हैं। तो लास्ट पीपीटीज में आप वो देख सकते हैं। तो ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो आज हम देखेंगे गुप्त काल में कला के क्या क्या प्रारूप थे, किस टाइप से कल्चर था वहाँ पे, किस कौन कौन सी कला वहाँ पे विख्यात थी। तो आज के लिए शुरू करते हैं क्लास। तो मौर्योत्तर कला ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, ये सब हम कर चुके थे मौर्योत्तर कला। तो आप लास्ट के जो लेसन्स हैं उसे देखकर ये सब अपना दोबारा रिवाइज आप लोग कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे कि गुप्त काल में क्या क्या चीज़ें थी। तो गुप्त काल जो था हमारा, वो आप सबको पता होगा कि चौथी शताब्दी ईस्वी में था, मतलब कि 4th AD में गुप्त काल माना जाता है। और इसको जो कहा जाता है गुप्त काल को, भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है ये गुप्त काल को। यद्यपि जो शुरू के जो गुप्त शासक थे, जो शुरू में थे, वो बौद्ध थे और उन्होंने बौद्ध वास्तुकला की जो परंपरा थी उनको जारी रखा था। बट मंदिरों की जो वास्तुकला थी वो हिंदू शासकों के संरक्षण में बहुत ज़्यादा उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इस अवधि में मंदिरों की वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। तो गुप्त काल के जब भी हम अध्ययन करेंगे मेनली, तो यहाँ मंदिरों का अध्ययन मेन करना है। तो पहले मैं शुरू में कुछ चीज़ें आपको बता दूंगी कि गुफाएं कैसी थी, स्तूप कैसे थे, मूर्तियाँ कैसी थी। उसके बाद हम पूरा जो टॉपिक है अपना शिफ्ट करेंगे मंदिरों के ऊपर, क्योंकि मंदिरों में बहुत सारी ऐसी शैलियाँ हैं जो विकसित हुई गुप्त काल में, और उसी के ऊपर पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। इस अवधि में जो मंदिरों की गुप्त काल की जो शैलियाँ थी अपने शिखर पर थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मुख्य रूप से उत्तरवर्ती जो गुप्त शासक थे वो ब्राह्मण शासक थे, जैसे पहले थे बौद्ध शासक और बाद वाले जो थे वो ब्राह्मण शासक थे। फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार उन्होंने प्रदर्शित किया रखा। इस काल में जो था उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा मध्य भाग में जैसे कि विष्णु, दक्षिण भाग में शिव, और भारत के पूर्वी जो भाग थे वहाँ पर बहुत अलग अलग देवी देवताओं का उद्भव हुआ। मालाबार समुद्र तट या भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में शाक्त जैसे मुख्य देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। तो यहाँ देवताओं की कैटेगरीज भी बढ़ गई, क्योंकि बाद में ब्राह्मण साम्राज्य आ गया, यहाँ पर ब्राह्मण देवताओं की ज़्यादा पूजा होने लगी, स्त्रीय। तो ये सब आपको गुप्त काल के बारे में आरंभिक जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। गुप्त जो वास्तुकला थी वो दो रूपों में हमने देखेंगे अब आगे, गुफाएं और स्तूप के रूप में। बहुत ज़्यादा नहीं मिली हैं गुफाएं और स्तूप, बट जितने भी मिले हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, क्योंकि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा हमें यह मंदिर मिले हैं, मंदिरों में शैलियाँ भिन्न भिन्न मिली हैं, तो वो गुप्त काल में मिली हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें मूर्तियों की बात करेंगे कि मूर्तियाँ कैसी कैसी थी गुप्त काल में। तो सबसे पहले गुफाओं की बात करते हैं। तो गुप्त काल के दौरान गुफाओं का जो वास्तुशास्त्र विकास था वो निरंतर होता रहा था, लेकिन गुफाओं की जो दीवार है उन पे भित्ति चित्रों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा था। मतलब एक मेन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कहें तो गुप्त काल की दीवारों पर भित्ति चित्रों का प्रयोग कैरेक्टरिस्टिक्स में आता था। भित्ति चित्र जो सर्वाधिक जो बेहतरीन उदाहरण है, आप लोग जानते होंगे अजंता और एलोरा की गुफाएं, जहाँ पर गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। अजंता की गुफाओं के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसी हैं। अगर इसके ऊपर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे लिखोगे, एमपी की बात कर रही हूँ मैं। तो अजंता की गुफाएं हैं ये औरंगाबाद के निकट चट्टानों को काटकर निर्मित की गई हैं। ये टोटल यहाँ पर 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 जो है विहार या आवास के लिए बनाई गई हैं, उसका प्रयोग होता था, और 4 जो है वो चैत्य या प्रार्थना स्थल के रूप में इसका प्रयोग होता था। और इन गुफाओं का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है ईसा पूर्व 250 ईस्वी से 650 ईस्वी क्षण तक, मतलब कि 250 BC से लेकर 650 AD तक। तो ये आप इसका टाइम पीरियड याद रखेंगे अजंता की गुफाओं का। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में एक अन्य गुफा है मंडपेश्वर की गुफा, मंडपेश्वर, इसको मोंटी पेरिर की गुफा भी कहा जाता है। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि मंडपेश्वर की गुफा का एक अन्य नाम बताइए, तो मोंटी पेरिर की गुफा के है कहा जाता है। और
ये गुफाएं जो थी 8वीं सदी में ब्राह्मण गुफाओं के रूप में निर्मित की गई थी, बट बाद में धीरे धीरे जब टाइम बदलता गया तो इन्हें ईसाई गुफाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो ईसाई गुफाओं के रूप में परिवर्तित गुफा है मंडपेश्वर की गुफा। तो ये आप यहाँ, ये भी गुप्त काल में निर्मित गुफा थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तूपों का। तो गुप्त काल में स्तूप का बहुत ही कम निर्माण होने लगा, मतलब जितना कि मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण होता था, गुप्त काल में बहुत ही सीमित हो गया इसका निर्माण। जो धमेक का स्तूप था, इस काल में विकसित स्तूप का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण उदाहरण हम कह सकते हैं धमेक के स्तूप को। चलिए आगे देखते हैं, मूर्तियों की बात करते हैं। तो गुप्त काल के जो दौरान मूर्तियां थी, वो सारनाथ के आसपास मूर्तिकला जो है, उस वहाँ पे एक नई शैली विकसित हुई थी। इसकी विशेषता थी कि ये क्रीम रंग के बलुआ पत्थर तथा धातु का प्रयोग करके बनाई गई थी ये मूर्तियाँ। और इस शैली की मूर्तियाँ विशुद्ध रूप से वस्त्र पहने हुए होती थी, मतलब कि इन पे ऊपर से वस्त्र के आवरण डाला जाता था, क्योंकि कई मूर्तियों में ऐसे हैं कि उन्हें वस्त्र नहीं पहनाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये मेन विशेषता यहाँ कही गई है। बुद्ध के जो चारों ओर है, वहाँ पर आभा मंडल जरूर दिखाया गया है, बहुत गहन सा से दर्शाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। उदाहरण के रूप में आप सुल्तानगंज के बुद्ध जैसे ये दिखाए गए हैं, ये वहाँ पर कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ करेंगे मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ, क्योंकि गुप्त काल में जितना जो मेन टॉपिक था गुफाओं से रिलेटेड, स्तूप से रिलेटेड या मूर्तियों से रिलेटेड, वो इतना ही था, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें नहीं मिली है। बट गुप्त काल में मंदिर की जो शैलियाँ हैं, मंदिर बहुत ज़्यादा मिले हैं, उनकी शैलियाँ बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं, अलग अलग तरह की हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो इसमें है नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, बेसर शैली, होशाल शैली, विजयनगर कला या पाल शैली। ये मतलब कि हम लोग मंदिर की, अब टोटल हम मंदिरों पे शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद आगे का जो पीरियड है, जो भी गुप्त काल के बाद की चीज़ें हैं, वो हम साथ के साथ करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं मंदिर वास्तुकला की शैलियों से ही बनते हैं। अलग नायगर शैली के बारे में पूछ लेंगे, इनके डिफरेंस पूछ लेंगे, द्रविड़ शैली पूछ लेंगे, नायक और बेसर शैली में डिफरेंस पूछ लेंगे, कौन सा किस पार्ट में भारत के होती थी ये शैलियाँ, ये सब भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन। तो इसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मंदिरों की शैलियों के बारे में बात करेंगे। गुप्त काल पे आप इतना ही एलैबोरेट करके लिखेंगे, प्लस मंदिर जो मैं आगे कराऊंगी, तो आपका इनफ आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज़ है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और भी बहुत सारी सीरीज़ जल्दी आने वाली है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।